कोरोना का कहर एक बार फिर धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। ये दस्तक दुनिया के लिए जल्द ही चेतावनी में बदल सकती है। चीन में जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उसने वाकई में दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इसे लेकर भारत सरकार भी हाई अलर्ट हो गई है। कोरोना पर सरकार ने क्विक एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड की स्थिति पर बैठक बुलाई है। कोविड मरीज चीन के साथ साथ जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अमेरिका में 22,578 केस मिले हैं, वहीं जापान में 72,297 केस, ब्राजील में 29,579 केस, दक्षिण कोरिया में 26,622 केस मिले हैं। आपको याद होगा कि कोरोना चीन से ही दुनिया भर में फैला था और तबाही मचाई थी। मौजूदा समय में भी चीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट के केसेस सामने आ रहे हैं। चीन अपनी जालसाजी से कभी बाज नहीं आता है। चीन इस बार भी अपने देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा छुपा रहा है। चीन की ओर से कोई आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। साल 2019 में भी चीन ने कुछ ऐसा ही किया था और इसका अंजाम दुनिया भर को भुगतना पड़ा। चीन में कोरोना के जो हालात हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए लोग पोस्ट कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं। अस्पताल में इलाज के लिए लगी लंबी लाइन, मरीजों से भरा हुआ अस्पताल का बेड चीन के हालात बयां कर रहे हैं। इन सोशल मीडिया वीडियोस की पुष्टि कड़क नहीं करता है। चीन में कोरोना के हाहाकार की तस्वीर दुनिया तक ना पहुंचे, इसके लिए अस्पतालों से लेकर श्मशान तक जिनपिंग सरकार ने पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की फौज तैनात कर रखी है। चीन में मची इस तबाही से वायरस के आपस में म्यूटेट होने का भी खतरा है। अगर ऐसा होता है तो वाकई में कोरोना दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। विशेषज्ञों ने तो यहां तक दावा किया है कि चीन में 2023 में कोरोना विस्फोट हो सकता है और लाखों लोगों की मौत हो सकती है।